नमस्कार। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वेस्ट यूपी से पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक को राष्ट्रीय महासचिव जैसा महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है। मुजफ्फरनगर के निवासी हरेंद्र मलिक जाट समाज से आते हैं। उनके बेटे पंकज मलिक चरथावल विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं। वह एक एक बार बगरा व शामली सीट से भी विधायक रह चुके हैं। हरेंद्र मलिक चार बार विधायक और एक बार राज्यसभा सांसद रहे। अब अखिलेश ने राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक को क्यों बनाया, इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि रालोद यानी कि जयंत चौधरी के लिए भी इसमें संदेश है। हरेंद्र मलिक पूर्व में भी समाजवादी पार्टी में रहे थे, लेकिन लंबे समय से कांग्रेस में थे। 2022 विधानसभा चुनाव से कुछ समय पूर्व ही हरेंद्र मलिक बेटे पंकज मलिक के साथ सपा में शामिल हो गए थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिस तरह से हरेंद्र मलिक को तवज्जो देते रहे हैं, उससे सियासत में दिलचस्पी रखने वाले भी हैरान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश यादव हरेंद्र मलिक को वेस्ट यूपी में बड़े जाट चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। इसके पीछे कारण रालोद को यह दिखाना हो सकता है कि उनके पास भी जाट नेता है, लेकिन अगर वास्तव में अखिलेश यही सोचते हैं तो शायद गलत सोचते हैं। जाट समाज के बीच जयंत का विकल्प या कहें कि चौधरी परिवार का विकल्प डॉक्टर संजीव बालियान भी नहीं बन सके हैं, जबकि 2014 के आम चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव में जाट समाज का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ गया था। एक बात यह भी है कि हाल ही में मीरापुर से रालोद विधायक चंदन चौहान को जयंत चौधरी ने रालोद युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। चंदन सपा नेता थे और गठबंधन में रालोद का सिंबल मिला था। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव चंदन चौहान के टिकट के लिए अड़े रहे थे, लेकिन अब चंदन चौहान रालोद संगठन में भी बड़े पद पर आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव चंदन चौहान से नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि सियासत में नाराजगी सार्वजनिक रूप से बहुत कम बयां की जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि हरेंद्र मलिक को जयंत चौधरी अब पसंद नहीं करते हैं। इसके पीछे कारण बताया जाता है 2017 के चुनाव से ठीक पहले का एक वाक्या। चर्चा थी कि एन वक्त पर कांग्रेस छोड़कर रालोद में शामिल होने का फैसला बदल लिया गया था। हालांकि इस तरह की नाराजगी और इस तरह के वाक्यों की कोई पुष्टि तो होती नहीं है। एक बात यह भी है कि राजनीति में दोस्ती दुश्मनी और नाराजगी हमेशा के लिए नहीं रहती। सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव हरेंद्र मलिक को काफी तवज्जो दे रहे हैं और हरेंद्र मलिक भी अपने सियासी रसूख को दिखा रहे हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव ये सोचते हैं कि भविष्य में रालोद से गठबंधन नहीं रहा तो हरेंद्र मलिक या किसी भी अन्य जाट नेता के चेहरे से सपा को जाट वोट मिल जाएगा, तो यह पूरी तरह कोरी कल्पना है। यहाँ एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से गठबंधन से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। 2019 में चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े थे।